दूसरी वीडियो क्लिप में आप सभी बच्चों का खैर मकदम। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कॉलेज में मौजूद प्रिंसिपल साहिबान और स्टाफ के हवाले से। तो लिखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के शोभा हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट थे। वेलेसली ने जॉन गिलक्रिस्ट को शोभा हिंदुस्तानी का प्रोफेसर 18 अगस्त 1800 ईस्वी को मुकर्रर किया था और वो 23 फरवरी 1804 तक शोभा हिंदुस्तानी के प्रोफेसर रहे। गिलक्रिस्ट के इंग्लिस्तान लौटने के बाद शोभा हिंदुस्तानी का दूसरा प्रोफेसर कप्तान जेम्स माउंट को मुकर्रर किया गया। कप्तान जेम्स माउंट के बाद उनकी जगह हंटर ने 12 फरवरी 1808 को शोभा हिंदुस्तानी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया, यानी उन्होंने उनकी जगह ली। और इसका बयान हमें तारीख की उर्दू अदब अज जमील जालवी में सफ़र नंबर 517 पे, जो जिल्द सोम है, इसमें ये दर्ज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कप्तान जॉन विलियम टेलर का तकरर सदर शोभा उर्दू, यानी जो हिंदुस्तानी, जिसको ये बोलते थे, शोभा हिंदुस्तानी की हैसियत से 23 फरवरी 1808 को हुआ था, जहां वो मई 1823 तक रहे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रोफेसरान यानी असातिज़ा जो सदर रहे इसके फोर्ट विलियम कॉलेज के, ख़ासकर शोभा हिंदुस्तानी के, उनमें जॉन गिलक्रिस्ट, जेम्स माउंट, विलियम हंटर, कप्तान विलियम टेलर, टॉम्स रोबक का नाम काबिल ज़िक्र है। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोभा हिंदुस्तानी के पहले मीर मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी थे और फारसी शोभा का पहला नायब मीर मुंशी एक बंगाली हिंदू तरनी चंदर मित्रा था। मेरे प्यारे बच्चों, आगे चल के मुसनफ़ लिखते हैं, गिलक्रिस्ट की तनख्वाह, जो माहवार जो तनख्वाह थी, ये 16 रुपये थे और मीर अमन की 40 रुपये माहवार तनख्वाह मुकर्रर हुई। और फोर्ट विलियम कॉलेज के मीर मुंशी को 200 रुपये, नायब मीर मुंशी को 80 रुपये, मुंशी को 40 रुपये और नायब मुंशी को 30 रुपये माहवार तनख्वाह दिए जाते थे। और इस अमर का बयान हमें तारीख उर्दू अदब अज जमील जालवी में देखने को मिलती है, जो कि सफ़ा नंबर 410 पर बयान को तहरीर किया गया है, जिल्द सोम में। 1802 में शोभा हिंदुस्तानी के अमले, यानी स्टाफ जिसको हम कहते हैं, स्टाफ मेंबर्स की तादाद जो थी, ये 48 तक, यानी 48 तक पहुंच गई। और फिर इसके बाद मुसनिफ लिखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज ने कुलियाती मीर की कुलियात 1811 में और मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान को 1802 में दो में और दीवानी सोज को 1810 में नए टाइप में शाया किया। मीर शेर अली अफसोस की किताब भाग्य उर्दू, जो गुलिस्तानी सैदी का उर्दू तर्जुमा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जितने मुंशी मुलाजिम हुए थे, उनमें सिर्फ मीर शेर अली अफसोस और मुजहर अली खान वाला काबिल ज़िक्र शायर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की खासी वाबस्तगी रही। जॉन गिलक्रिस्ट ने लुगत व कवायद पर 3 जिल्दों में अपनी तसनीफ पेश की। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज से जो दूसरे लोग वाबस्ता थे,
उनके हवाले से हम देखते हैं उनमें, जब हम उनकी बात करते हैं उनमें मीर अमन दहलवी काबिले ज़िक्र है। मीर अमन दहलवी ने फोर्ट विलियम में रह के जो अपना सबसे अहम कारनामा अंजाम दिया वो बागो बहार की इशात 1804 ईस्वी में, और गंज खूबी हैं इखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। बागो बहार के हवाले से मुख्तसर बात की जाए तो इसका पहले भी तर्जुमा हुआ था, ये किस्से चार दरवेश का तर्जुमा है, इसका पहले भी तर्जुमा हुआ था अता हुसैन तहसीन ने किया था नव तर्जम रसा के नाम से, लेकिन मुकफ़ा और मुसज्जा नसर में होने के बाइस, दक्कनी और अरबी आमेजश के बाइस और फारसी की कसरत के बाइस इस तर्जुमे को रद्द किया गया, और फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़माने में डॉक्टर जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन दहलवी ने इसको बागो बहार के नाम से दोबारा तर्जुमा किया, आसान तर्जुमा किया। और इंसान जब पढ़ता है तो यूँ मालूम होता है जैसे 2020 का तर्जुमा है, आसान भाषा में आसान अल्फाज में इन्होंने इसका किस्से जहाँ दरवेश का तर्जुमा उर्दू ज़बान में बागो बहार से किया। बेटा बात जारी रहेगी नेक्स्ट वीडियो क्लिप में।